क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के फेस पर बीजेपी लड़ेगी राजस्थान में चुनाव, या पीएम मोदी के फेस पर? आखिर कौन होगा राजस्थान में अगला बीजेपी का फेस? ये मुश्किलें बहुत बड़ी हैं और इन मुश्किलों का भाजपा को कोई हल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव साल 2023 के अंत में होने हैं और ऐसे में भाजपा नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा जनता के सामने हो, पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान और पीएम मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही सीएम फेस को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और वरिष्ठ नेता ओम माथुर प्रमुख के बीच खींचातान जग जाहिर है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 बिना सीएम फेस के ही लड़ेगी। बता दे, राजस्थान में लंबे समय से वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित करने की मांग उठ रही और वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं का कहना है कि वसुंधरा राजे की समाज के सभी वर्गों में पकड़ है, इसीलिए उन्हें सीएम फेस घोषित किया जाए। हालांकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि सीएम कौन होगा इसका निर्णय संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी नेताओं में सबसे फेमस वसुंधरा राजे ही हैं, इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया बन सकती है बीजेपी का सीएम फेस 2023 विधानसभा चुनाव में।